हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज 4 जनवरी और 4 फरवरी और 4 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। दोस्तों अभी हाल एयरो इंडिया 2021 का आयोजन हो रहा है। तो दोस्तों ये कहाँ पे हो रहा है? एयरो इंडिया 2021 का आयोजन दोस्तों 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में हो रहा है, यानी 3 दिन तक चलेगा, है ना। आज 4 फरवरी होगी और 5 कल तक चलने वाला है। तो दोस्तों आपके सामने प्रश्न उठता है कि एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो दोस्तों बेंगलुरु शहर में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु क्या है दोस्तों? कर्नाटक की राजधानी। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु आप याद रखें, बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की राजधानी है। और इसके अलावा बेंगलुरु के बारे में और जान लेते हैं अपन। देखो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी होगी, है ना। बेंगलुरु के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के में इसके बेंगलुरु मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, बीजेपी पार्टी, है ना। और इसका इसरो का वहां पे इसरो का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय भी वहां पे बेंगलुरु में। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। इसके राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला, राज्यपाल वजुभाई। तो सारी चीजें आप याद रख लें। बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक की राजधानी। और बेंगलुरु में क्या है? इसरो का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। इसकी बेंगलुरु के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कौन है? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और बीजेपी पार्टी के। और इसके राज्यपाल यानी गवर्नर वजुभाई वाला, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। एयरो इंडिया 2021 की थीम क्या है? आत्मनिर्भरता। एयरो इंडिया 2021 की थीम क्या है? आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है एयरो इंडिया 2021 कौन सा संस्करण हुआ? 13वां संस्करण हुआ। अभी कौन सा संस्करण हुआ? 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयरो इंडिया 2021 का आयोजन किस स्टेशन पर? तो ये दोस्तों येलहंका एयरपोर्ट स्टेशन बेंगलुरु, येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला, एयरो इंडिया 2021 की टेगलाइन क्या है? तो ए रनवे ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, ए रनवे ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, इसकी थीम थी, टेगलाइन थी। नेक्स्ट है एयरो इंडिया 2021 समारोह में MI-17 जो शामिल हुआ है, MI-17 ये क्या है? ये हेलीकॉप्टर है। MI-17 क्या है? हेलीकॉप्टर। अगर आपसे पूछा जाएगा MI-17 क्या था, तो हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट है ब्रह्मोस्त सुपरसोनिक क्रूज क्या है? ब्रह्मोस्त सुपरसोनिक क्रूज क्या है? तो ये दोस्तों मिसाइल है। ये क्या है? मिसाइल है। ये क्या थी? मिसाइल। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में Su-30 MKI फाइटर क्या है? तो जेट। ये क्या है? जेट विमान। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, एयरो इंडिया 2021 का आयोजन, शो का आयोजन किसने कराया? तो दोस्तों DRDO ने कराया। किसने कराया? DRDO। एयरो इंडिया 2021 शो का आयोजन किसने कराया? DRDO। DRDO को फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका प्रभाव रिंदी नाम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगर डीआरडीओ के अध्यक्ष अगर बात करें तो जी सतीश रेड्डी। तो सारी चीजें बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखें, बिल्कुल क्रम से याद रखें, ताकि आपके एग्जाम बहुत हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, भारतीय नौसेना में 83 तेजस जेट
लेने के लिए किसके साथ समझौते किए? भारतीय नौसेना ने 83 तेजस जो विमान है, जेट का जो विमान है, लेने के लिए किसके साथ समझौते किया? HAL के साथ, HAL के साथ। और HAL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1940 में। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। इसके अध्यक्ष कौन है? MDR माधवन, MDR माधवन। नेक्स्ट अगला देखिए, राफेल विमान उड़ाने वाले पायलट कौन है? तो हिलाल अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो शिवांगी सिंह। महिला पायलट कौन थी? शिवांगी सिंह। कौन थी? शिवांगी सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने 1 वर्ष के लिए आपातकाल की घोषणा? तो दोस्तों म्यांमार। किस देश ने की? म्यांमार। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।